नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। दोस्तों, T20 विश्व कप 2021 के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। न्यूजीलैंड की टीम 14 नवंबर को T20 विश्व कप 2021 का फाइनल खेलेगी। यह मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। इसके तुरंत बाद न्यूजीलैंड की टीम भारत आ जाएगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला मैच 17 नवंबर को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। रोहित शर्मा की कप्तानी और राहुल द्रविड़ की कोचिंग में टीम इंडिया पहली बार मैदान पर उतरने जा रही है। देखना होगा कि टीम इंडिया कैसा प्रदर्शन करती है। वहीं टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के लिए भी एक चुनौती होगी कि वे किस प्लेइंग 11 के साथ मैच में उतरे। जहां तक सलामी बल्लेबाज की बात करें तो रोहित शर्मा और केएल राहुल की जोड़ी बतौर ओपनर उतरेगी, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। विराट कोहली चूंकि इस सीरीज में आराम कर रहे हैं, इसलिए नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव आएंगे। T20 विश्व कप 2021 के आखिरी मैच में इसकी जानकारी लग गई थी। इसके बाद चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर आएंगे, पांचवें नंबर पर ऋषभ पंत आ सकते हैं और छठे नंबर पर फिनिशर की भूमिका वेंकटेश अय्यर निभा सकते हैं। इसके बाद अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद सिराज और आवेश खान के आने की संभावना है। पहले मैच के लिए ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग 11। रोहित शर्मा, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, वेंकटेश अय्यर, अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद सिराज और आवेश खान। दोस्तों, आपको ये प्लेइंग 11 कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।